जहां एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से सारी फिल्म्स को पोस्टपोन किया जा रहा है, तो वहीं आज अजय देवगन ने अपनी आने वाली फिल्म आरआरआर का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया है। ये फिल्म इसलिए भी काफी बड़ी है क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एसएस राजामौली। बाहुबली के बाद राजामौली की ये पहली फिल्म है और इसी वजह से इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। मोशन पोस्टर में आग और पानी के बीच फाइट होती है जिसमें फिल्म का नाम आरआरआर सामने आता है और ये मोशन पोस्टर भारतीय ध्वज के अशोक चक्र के लोगों के साथ खत्म होता है। इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, जब रीत शक्तियां आग और पानी एक साथ आती है तो आपको एक तीव्र ऊर्जा मिलेगी। आरआरआर का फुल फॉर्म है राइज रोर रिवॉल्ट। ये एक पीरियड ड्रामा एक्शन फिल्म होगी जिसका इवेंट सेट होगा 1920 में। इस फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करेगी इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स पर। और बात करें अगर इस फिल्म के कास्ट की, तो इस फिल्म में काफी बड़े बड़े नाम मौजूद है। पहले तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली। ऊपर से इस फिल्म के कास्ट में रामा राव जूनियर, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे। इस फिल्म के कास्ट को सुनने के बाद होप कि आपकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ 10 भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी। मोशन पोस्टर में इस फिल्म के रिलीज डेट को भी रिवील कर दिया गया है जो 8 जनवरी 2021 है। आपको कैसा लगा ये मोशन पोस्टर हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह के और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।